जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्ग मालिकां डमड्ड मड्ड मड्ड मड्निनाद वड्ड मर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं शिवं शिव शिवं शिवं। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि आत्मा और परमात्मा का आपस में क्या संबंध है, एक दूसरे से संबंध क्या है। देखिए, आत्मा परमात्मा का अंश है, आपको पता ही है, पर संबंध की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार जल की धारा किसी पत्थर से टकराकर छोटे छींटे के रूप में बदल जाती है, उसी प्रकार परमात्मा की महान सत्ता अपने क्रीड़ा विनोद के लिए अनेक भागों में विभक्त होकर अगिनत जीवों के रूप में दृष्टिगोचर होती है। परमात्मा क्या है? परमात्मा आनंदमय है, नित्य अनादि असीम है, यह सर्वशक्तिमान है, सर्व स्वरूप है, सबके परम कारण और सर्वांतर्यामी है। सांसारिक विषयों को ग्रहण करने वाले इंद्रियों की वहां पहुंच नहीं है। जीवात्मा या आत्मा भी अनादि है, यह परमात्मा का ही अंश है, परंतु है असीम, अर्थात जिसकी सीमा हो, ससीम बोलते हैं उसको। यह परमात्मा का ही अंश है परंतु है ससीम, जिसकी कोई सीमा हो, यह शांत है, यह भी नित्य है क्योंकि सत स्वरूप है। यह शरीर से अलग है क्योंकि शरीर नश्वर है, अनित्य है और विनाशवान है, फिर भी लोग इन दोनों को एक मानते हैं। इससे बढ़कर अज्ञान किसे कहा जाएगा? तो संबंध क्या है? भगवान श्री राम कृष्ण परमहंस जी ने इस पर एक चीज कहा था कि पानी और बुलबुला वस्तुतः एक ही है। बुलबुला पानी में ही उत्पन्न होता है, पानी में ही रहता है और अंत में पानी में ही समा जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः एक ही है, उनमें अंतर केवल उपाधि के तारतम्य का है। एक शांत सीमित है तो दूसरा अनंत असीम, एक आश्रित है तो दूसरा स्वतंत्र है। यह अविद्या के ही कारण है कि भी आत्मा ससीम प्रतीत होता है। अविद्या के नष्ट हो जाने पर आत्मा जो नितांत अभेद है, परमात्मा से अपने स्वरूप को अपने आप ही प्रकट कर देता है, अर्थात वह भी परमात्मा ही हो जाता है। आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग है, अगर आप क्लोजली उसको देखेंगे तो। सृष्टि संचालन का क्रिया कौतुक करने के लिए परमात्मा ने इस संसार की रचना की। वो अकेला था, अकेला रहने से अच्छा नहीं लगा तो सोचा एक से बहुत हो जाऊं, तो इसकी यह इच्छा ही फलवती होकर प्रकृति के रूप में परिणित हो गई। इच्छा की शक्ति महान है, आकांक्षा अपने रूप परिस्थिति तथा वस्तुएं एकत्र कर ही लेती है। विचार ही कार्य रूप में परिणित होते हैं और उन कार्यों की साक्षी देने के लिए पदार्थ सामने खड़ा होते हैं। परमात्मा की एक से बहुत होने की इच्छा से ही अपना विस्तार किया तो ये सारी वस्तु बनकर तैयार हो गई। आत्मा और परमात्मा नाम अध्यात्मवाद है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही भौतिक पदार्थ नहीं है, इन्हें आंख से देखा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, नाक से सूंघा नहीं जा सकता, जीभ से चखा नहीं जा सकता और त्वचा से छुआ नहीं जा सकता। परमात्मा एक है, अनेक नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि उसी एक ईश्वर के नाम है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात एक ही परमात्मा शक्ति को विद्वान लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। संसार में जीवधारी प्राणी अनंत हैं, इसलिए आत्माएं भी अनंत हैं। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्रयत्न इच्छा द्वेष सुख दुख ये 6 गुण है जिसमें आत्मा है। ज्ञान और प्रयत्न आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं, बाकी 4 गुण इसमें शरीर के मेल से आते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों ही अजन्मा है और अनंत है, ये न कभी पैदा होते हैं और ना ही कभी मरते हैं, ये सदा रहते हैं। इनका बनाने वाला कोई नहीं है, आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, बहुत लोग कहते हैं। हर आत्मा एक अलग है और स्वतंत्र सत्ता है। परमात्मा ने अपने आप को बखेरने का झंझट बराकार इसलिए किया
कि बिखरे हुए कणों को फिर एकत्र होते समय असाधारण आनंद प्राप्त होता रहे। बिछुड़ने में जो कष्ट है उसकी पूर्ति मिलन के आनंद से हो जाती है। तो परमात्मा ने अपने टुकड़ों को, अंश, जीवों को बिखेरने का विक्षोभ कार्य इसलिए किया कि वे जीव परस्पर एकता, प्रेम, सद्भाव, संगठन, सहयोग का जितना प्रयत्न करें उतने आनंदमग्न होते रहें। बाकी अगर इसका अगर विस्तृत विवेचन करने लगूं तो फिर तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। इनके जो मिलन संयोग है, प्रत्येक कर्म का कोई अधिष्ठाता जरूर होता है। परिवार के वयोवृद्ध मुखिया के हाथ सारी गृहस्थी का नियंत्रण होता है। मिलों कारखानों की देखरेख के लिए मैनेजर होते हैं। बहुत मतलब डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आपको समझने में मतलब आसानी हो जाएगी। वर्षा तभी होती है जब समुद्र से मानसून बनता है। सारी प्रकृति, संपूर्ण संसार ठीक व्यवस्था से चल रहा है तो जरा इधर से या उधर हुआ कि उसने मार खाई। अपनी कक्षा से जरा डावाडोल चीजें हुई कि एक तारे को दूसरा खा गया। तो जीवन क्रम में थोड़ी भूल हुई कि रोग, शोक, बीमारी और अकाल मृत्यु झपट्टा मारता है। तो इतने बड़े संसार का नियामक परमात्मा सचमुच बड़ा शक्तिशाली है। तो परमात्मा तो फिर परमात्मा है। बात कर रहे हैं अब संबंध की। आप दैनिक जीवन में अब देखोगे तो बहुत चीज सीखोगे। हमारे सब जीवित शरीर में दो विभाग है, एक हमारा जड़ शरीर और एक हम चेतन स्वयं अर्थात हमारी आत्मा। ये दोनों विभाग आपस में एक दूसरे से पूर्णतया असंबद्ध है। प्रेम और आत्मीयता से बढ़कर उल्लास, शक्ति और स्रोत और कहीं नहीं है। अनेक प्रकार के बल इस संसार में मौजूद हैं, पर प्राणियों की एकता के द्वारा जो शक्ति उत्पन्न होती है उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है। उपासना में प्रेम का अभ्यास एक प्रमुख आधार है। ईश्वर की भक्ति करने का अर्थ है आदर्शवाद। आत्मा अणु है, बेहद छोटी है। परमात्मा आकाश की तरह सर्वव्यापक है। आत्मा का ज्ञान सीमित है, थोड़ा है। परमात्मा सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। जो कुछ हो चुका है और हो रहा है सब कुछ उसके संज्ञान में है। अंतर्यामी होने से वो सभी के मनों में क्या है ये भी जानता है। आत्मा की शक्ति सीमित है, थोड़ी है, परंतु परमात्मा सर्वशक्तिमान है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सृष्टि को बनाना, चलाना, प्रलय करना, सभी काम करने में वो समर्थ है। पीर, पैगंबर, अवतार आदि नाम से कोई एजेंट या बिचौलिया उसने नहीं रखे हैं। ईश्वर सभी काम अपने अंदर से करता है क्योंकि उसके बाहर कुछ भी नहीं है। ईश्वर जो भी करता है वो हाथ पर आदि से नहीं करता है क्योंकि उसके अंग है ही नहीं। वो सब कुछ इच्छा मात्र से करता है। आत्मा जगत की जो सृष्टि है, जगत की सृष्टि के समय ब्रह्म स्वरूप अर्थात परम चेतन स्वरूप परमात्मा से सृजन के लिए जब जल मूल प्रकृति विलग होती है तो उसके जो स्वरूप है ये त्रिगुणात्मक होते हैं और ये जो प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है जिसके कारण से एक महत्वात्म नामक तत्व प्रकट होता है। महत्व नामक तत्व प्रकट होता है जिसे समष्टि बुद्धि भी कहते हैं। तत्पश्चात समष्टि अहंकार और फिर पंच तन्मात्रे, पंचभूत, पंचकृत, पंचभूत और फिर मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां। एक मन होता है, पांच ज्ञानेन्द्रिया होती है और पांच कर्मेंद्रिया होती है और पांच विषय होते हैं और यह सब बनकर हमारा स्थूल शरीर बन जाता है। तो इस जगत को जीव ने ही धारण कर रखा है। जगत जीव की दृष्टि में है। जीव ने ही जगत को सत्ता और महत्ता देकर के उसमें अपना जो अपनापन होता है उसे अपनापन भर दिया है और जन्म मरण के बंधन में पड़ गया है। ईश्वर आनंद स्वरूप है, वो सदा एक रस आनंद में रहता है। वो किसी से राग द्वेष नहीं करता। वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, अहंकार से परे है। ईश्वर की उपासना करने से अर्थात उसके समीप जाने से आनंद प्राप्त होता है। जैसे सर्दी में आग के पास जाने से सुख मिलता है, ईश्वर निराकार है, उसे शुद्ध मन से जाना जा सकता है। जैसे हम सुख दुख मन में अनुभव करते हैं, यह आत्मा जब मनुष्य शरीर में होती है तब वो कार्य करने में स्वतंत्र रहती है।
तो उस समय किए कार्य के अनुसार ही उसे परमात्मा सुख दुख और अगला जन्म देता है। अब सवाल यह है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। शरीर मेरा संसार में व्यवहार करने का साधन है, कर्ता और भोक्ता आत्मा है, सुख दुख आत्मा को होता है। जीवात्मा न स्त्रीलिंग है, न पुलिंग है और न ही नपुंसक है। यह जैसा शरीर पाता है वैसा कहा जाता है। ईश्वर की पूजा ऐसे नहीं की जाती जैसे मनुष्य की पूजा अर्थात सेवा सत्कार किया जाता है। ईश्वर की आज्ञा का पालन अर्थात सत्य और न्याय का आचरण है, यही ईश्वर की पूजा है। शरीर की तुलना घोड़ा गाड़ी से की गई है कठोपनिषद में, मनुष्य के शरीर को। इसमें आत्मा गाड़ी का मालिक अर्थात सवार है, बुद्धि सारथी अर्थात कोचवान है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। इंद्रियों के विषय वे मार्ग हैं जिन पर इंद्रिया रूपी घुटी दौड़ते हैं। आत्मा रूपी स्वर आप अपने लक्ष्य तक तभी पहुंचेगा जब बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को अपने वश में रखकर इंद्रिया रूपी घोड़े को सन्मार्ग पर चलाएगा, सत्य मार्ग पर लेके जाएगा। परमात्मा हम सबका पिता है, माता है, मित्र है, हम सब प्राणियों का भला चाहता है, किसी का बुरा नहीं चाहता है। जब मनुष्य कोई अच्छा काम करने लगता है तो उसे उत्साह आनंद निर्भयता महसूस होती है, वह परमात्मा की तरफ से होता है। और जब वो कोई बुरा काम करने लगता है तब उसे भय शंका लज्जा महसूस होती है, वो भी परमात्मा की तरफ से ही होता है। पृथ्वी से लेकर अहंकार तक सब जड़ अपरा प्रकृति है, जैसे पृथ्वी जल अग्नि आदि जानने में आने वाले हैं ऐसे ही अहंकार भी जानने में आने वाला है। तो ये एक्चुअली आत्मा जो है वो भी परमात्मा का स्वरूप है फाइनली और उसका ही अंश है, किंतु अपनी ही वजह से जीव भाव को धारण करने के कारण परमात्मा से विलग हो गया है। तो मेरे ख्याल से मैंने आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो बहुत ही सरल विषय में मैंने आपको बता दिया है। हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू।